इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, विच चॉइस प्रोवाइड आंसर इन द फॉलोइंग, इसमें कौन सी चॉइस आंसर प्रोवाइड करती है। अब देखिए 3 + 12 है इक्वल टू 4 है। किया क्या गया कि इस 12 को इस 3 पर डिवाइड किया गया, 4 आ गया। 4 + 20 है, 20 को 4 पर डिवाइड किया, 5 आ गया। 5 + 30 है, 30 को 5 पर डिवाइड किया, 6 आ गया। अब इस 72 को 8 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चॉइस प्रोवाइड आंसर इन द फॉलोइंग, कौन सी चॉइस आपको आंसर प्रोवाइड करती है। 4 + 2 = 21 है। क्या किया गया कि इस 4 का हाफ लिया, जे 2 आ गया, 2 का हाफ लिया, 1 आ गया, 21 बन गया। 8 + 6 में 8 का हाफ 4 आ गया, 6 का हाफ 3 आ गया। 2 + 2 है, 2 का हाफ लिया 1 और फिर 2 का हाफ लिया 1 आ गया। 4 + 8 है, जब हम 4 का हाफ लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और 8 का हाफ लेंगे तो 4 आ जाएगा, 24 आपका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चॉइस प्रोवाइड आंसर इन द फॉलोइंग, 2 = 5। क्या किया, 2 का स्क्वायर लिया, 4 होता है उसमें एक अपनी तरफ से ऐड कर दें, 5 एक अब इसमें ऐड किया है। अब 4 का स्क्वायर लिया 16, उसमें अब 2 ऐड कर दिए 18। पहले एक ऐड किया स्क्वायर लेकर, फिर स्क्वायर लेकर 2 ऐड किए, अब 6 का स्क्वायर 36, उसमें अब 3 ऐड किए, 39 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, उसमें अब 4 ऐड किए, 64 आ गया। अब 10 का स्क्वायर 100 है, इसमें अब हमने 5 ऐड करने होंगे तो 105, 105 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 3 + 4 = 423। कैसे किया गया है कि इस 4 को पहले यहां पर लगाया गया, फिर ये लेफ्ट साइड वाले 2 को लगाया गया और फिर ये दरमियान वाले डिजिट को लगा दिया गया। पहले तीसरा डिजिट लगाया, फिर पहला लगाया और आखिर में दरमियान वाला। अब इधर भी पहले तीसरा लगाएंगे 6, फिर पहला लगाएंगे 4 और फिर आखिर में दरमियान वाला 5 आ गया। इधर देखेंगे पहले तीसरा लगाया 6, फिर ये पहला लगाया ये आ गया और आखिर में दरमियान वाला आ गया 7 है, दरमियान में ये आ गया। अब इसी तरह आखिर हम यहां पर जब लगाएंगे तो पहले हमारे पास 1 आना चाहिए, 1, उसके बाद हमें यहां पर पहला लगाना है 3 है और आखिर में हमारे पास दरमियान वाला आना है 6 आ जाएगा, तो 136 हमारा ऑप्शन आ जाएगा, 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज प्रोवाइड आंसर इन द फॉलोइंग, 3 और 4, 34 तीन और चार से मिलकर बना है, 3 और 4 को जमा करें 7 आता है, ये हमने 7 लिख दिया। अब 63 के 3 और 6 को जमा करें 9 आता है, ये हमने 9 लिख दिया। अब 54 + 32 है, 54 के 5 और 4 को ऐड करें 9 आता है, 32 के 3 और 2 को ऐड करें 5 आता है, 95 बन गया। 26 में 2 और 6 को ऐड करें 8 आ गया आएगा, 43 की 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आ गया। अब 17 है, 1 और 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा और 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 89 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चॉइस प्रोवाइड आंसर इन द फॉलोइंग, कौन सी चॉइस आपको आंसर प्रोवाइड करती है। 6 × 4 20 की इक्वल है, ये आप देख सकते हैं। अब किया क्या गया है कि 6 और 4 को जमा करें 10 आता है, 10 को जरब 2 कर दिया 20। अब 5 + 3 = 24, कैसे है कि 5 और 3 को जमा करें 8 आता है, अब जरब 3 किया 24। पहले 6 और 4 को जमा करके 2 डिजिट को जमा करके जरब 2 किया 20 आया, इन 2 को जमा किया 8 आया, जरब 3 किया 24। अब 5 और 2 को जमा किया 7 आया, अब जरब 4 करेंगे 28। अब इन 2 को जमा करके हमें जरब 5 करना पड़ेगा, 6 जमा 4 करेंगे 10 आएगा, जब हम जरब 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 + 32 = 22, कैसे है कि 42 का ये बाहर वाला डिजिट 4 है, इसका हाफ कर लिया 2, 34 का बाहर वाला डिजिट 4 है, इसका हाफ किया 2, 22 बन गया। 62 + 82 में ये 62 का बाहर वाला डिजिट 6 है, इसका हाफ कर दिया 3, 82 के बाहर वाला डिजिट 2 है, इसका हाफ किया 1, 84 + 26 है, 84 में ये बाहर वाला डिजिट 8 है, इसका हाफ किया 4, 26 में ये बाहर वाला डिजिट 6 है, इसका हाफ किया 3, 65 है, इसका
बैड वाला डिजिट जब लेंगे तो 3 इधर आ जाएगा इसका हाफ, और 38 के 8 का हाफ लेंगे तो 4 आ जाएगा, 34 आपका ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 माइनस 2 इज इक्वल टू 68। कैसे किया गया कि 71 का 1 और इस 2 को ऐड करें 3 हो जाता है, 3 हो गए। अब 71 में से उस 3 को माइनस कर दे 68 बन जाता है। अब 52 माइनस 6 44 कैसे आया कि ये 2 और 6 को जमा करें 8 आता है, इस 52 में से उस 8 को निकाल दिया 44 आ गया। अब 47 मनफी 4 है, 7 और 4 को जमा करें 11 आ जाता है। अब 11 को 47 में से जब निकालेंगे तो 36 आ जाता है। 64 मनफी 5 है, 4 और 5 को जमा करेंगे 9 आएगा, तो 64 में से जब हम 9 को निकालेंगे तो हमारे पास 55 बाकी बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। क्या किया, 3 को जमा किया, 3 को डबल किया 6 हो गया, 6 जमा 4 10, 5 जमा 4 है 4 को डबल किया 8, 8 में 5 जमा किए 13, 6 जमा 5 है 5 को डबल किया 10, 10 में 6 जमा किए 16, 7 जमा 6 है 6 को डबल किया 12, 12 और 7 19 आ जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किया गया है हमारे पास, देखें इस 6 का हाफ लिया, 3 हुआ 3 जरा 5 किया 15 आ गया, 8 का हाफ किया 4 है 4 जरा 4 करेंगे तो 16 आ गया, 3 का हाफ करेंगे यहां पर तो आप देखेंगे इस 8 का हाफ करेंगे 4, 4 जरा 9 करेंगे 36 आ गया। अब यहां पर 6 का हाफ करेंगे 3 और 3 जरब 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 आपका आंसर है। विच वॉज प्रोवाइड आंसर इन द फॉलोइंग। अब 4 से पीछे पिछला डिजिट 3 है, 4 से पिछले वाला 3 है, 4 जरब 3 किया 12 आ गया 12, 5 से पिछले वाला 4 है, 5 जरब 4 किया 20, 6 से पीछे 5 होता है, 6 जरब 5 किया 30, अब 9 से पीछे 8 होता है, 9 जरब 8 करेंगे तो 72 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने 513 जमा 215 को 98 कैसे बनाया है, 513 के इन डिजिट को जमा करें, 5 और 1 6, 6 और 1 6 और 3 9, ये हमने 9 लिख दिया, 215 के डिजिट को जमा करेंगे 2 और 1 3, 3 और 5 8, हमने ये 8 लिख दिया। अब नीचे आएंगे 351 के 3 और 5 8, 8 और 1 9, ये आपने 9 लिख दिया, 126 के 1 और 2 3, 3 और 6 9, ये आपने 9 लिख दिया, 215 के 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये आपने 8 लिखा, 601 के 6 और 1 7, आपने 7 लिख दिया। अब इधर जब जमा करेंगे 8 और 2 10 आ जाएगा पहले, और 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 आ जाएगा पहले, 10 और 17 ये आ जाएगा 10 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 बराबर 42 के कैसे, 6 से अगला डिजिट 7 होता है, 6 से आगे 7 होता है, 6 जरब 7 किया 42 आ गया, 7 से आगे 8 होता है, 7 जरब 8 किया 56, 3 से आगे 4 होता है, 3 जरब 4 किया 12, 9 से आगे 10 होता है, 9 जरब 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने 36 के 6 को लेना है, इसमें ये 3 जमा किए 9 आ गया, 25 के 5 को लेना है, 5 को 7 जमा किए 12 आ गया। एक और तरीके से अगर आप करें वो ज़्यादा बेहतर है कि 36 है इसका आपने जजर ले लेना है, 6 हो गया, 36 का जजर 6 होता है, रूट 6 होता है, 6 में 3 जमा कर दिए 9, 25 का रूट 5 होता है, 5 और 7 12, 49 का रूट 7 होता है, 7 में से 6 निकाले 1, 81 का रूट 9 होगा, 9 में से जब 3 निकलेंगे तो आपका आंसर 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किया है कि इस 5 का स्क्वायर लिया 25, 36 का रूट लिया 6, 3 का स्क्वायर 9, 16 का रूट 4, 6 का स्क्वायर 36, 64 का रूट 8, 7 का स्क्वायर 49 इधर आएगा, और 81 का जब रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये हमारा 49 और 9 ये हमारा आंसर है। विच चॉइस प्रोवाइड आंसर इन द फॉलोइंग, कौन सी चॉइस आपको आंसर प्रोवाइड कर रही है, अभी आप देखेंगे कि कैसे किया जा रहा है। 2 माइनस 6
84 है, आगे आप देखेंगे एक्चुअली इसका यहां पर 2 का क्यूब लिया गया 8 और इसका रूट ले लिया गया 16 का 4। अब 3 का क्यूब लिया 27, इसका रूट लेंगे 49 का 7 आ गया। 5 का क्यूब लेंगे 125, 64 का आप रूट लेंगे 8 आ गया। 4 का क्यूब लेंगे 4 ज़रब 4 ज़रब 4 करेंगे 164, और 5 का जब रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 का रूट लेंगे 5 आएगा 164 5, 4 का लेंगे क्यूब तो 64 आएगा 64 5 645, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 601 के 3 डिजिट है, 6 0 और 1, इनको जमा करें 7 आता है, तो 634 की 3 डिजिट है 2, 3 और 4, इनको जमा करें 2 और 3 5, 5 और 4 9, इसके 7 और इसके 9 9 ज़रब 7 किया 63, 523 के डिजिट जमा करें 5 और 2 7 7 और 3 10, 213 के 2 और 1 3 3 और 3 6 10 ज़रब 6 किया 60, 245 के 2 और 4 6 6 और 5 11, 5 और 3 8 11 ज़रब 8 किया 88, 363 के 3 और 6 9 9 और 3 12, और 3 और 3 6 6 और 1 7 12 ज़रब 7 करेंगे तो 84 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/2 18 है, 5/5 5 है, 8/4 16 है और 10/4 क्या आंसर आपका आना है, ये अभी आपने बताना है। अब देखें 6/2 से कैसे लिया गया है 18, कैसे बनाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मल्टीपल अंदाज में इस सवाल को हम यहाँ से हल हम कर सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। अब यहाँ पर कैसे किया गया है कि 6 का स्क्वायर लें 36 होता है, 2/2 हो गया 18 आ गया, 5 का स्क्वायर 25/5 किया 5, 8 का स्क्वायर 64/4 हुआ 4, इसका स्क्वायर अब लेंगे तो 100 आएगा, 100/100 100/4 जब ये होगा तो 25 आ जाएगा, 25 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का मुरब्बा लिया 9, उसमें से 1 निकाला 8, 3 आप इसे दूसरे अंदाज में करें 3 से पीछे वाला डिजिट 2 होता है, 2 का क्यूब लें 8, 5 से पीछे 4 होता है, 4 का क्यूब लें 64, 4 से पीछे 3 होता है उसका क्यूब लिया 27, अब 6 से पीछे 5 होता है 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ जाएगा।